इतनी गुस्सा हो जाएगी। वो हम लोग मैडम को जगा भी रहे हैं और मैडम को इनमें से कोई ना कोई नस तो कम कर जाएगी। कुछ नहीं तो बेहोश हो जाएगी ज्यादा तो। लाइफ इज टफ, आई एम टेलिंग यू, लाइफ इज टफ, इट्स रियली टफ। यूजुअली ऐसा ये जो है ना ये नारियल के तेल के साथ बेटर होता है, लेकिन नारियल का तेल लगा नहीं सकते, प्रॉब्लम हो जाएगा, बाल खराब हो जाएगा। वो हम लोग अभी हाथ के साथ ऐसा मैनेज कर रहे हैं, अभी प्रॉब्लम है नहीं। आपने इनका फोन को क्या किया सर्विस साइड। फाइनली तौर पर कैटरीना कैफ अपने फोन भूत के ट्रेलर के लिए, उनकी ट्रेलर लॉन्च के लिए बाहर आ चुकी हैं। आपको मुकम्मल वीडियोस, इनकी बहुत ही खूबसूरत से लुक्स, इनका आना, पब्लिक का रिएक्शन, आपको हर चीज दिखाएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। आपको बताते चलें कैटरीना कैफ के बारे में और फिर यहीं पर इनकी आने वाली शादी के बाद फर्स्ट मूवी के बारे में। शादी तो इनकी विकी कौशल से हो चुकी है, लेकिन शादी की सबसे खूबसूरत बात ये है कि फैंस इनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कैटरीना कैफ की फर्स्ट मूवी आफ्टर वेडिंग रिलीज होने वाली है फोन भूत, जिसका ट्रेलर आज लॉन्च है। और यहीं पर इनकी ट्रेलर लॉन्च के लिए, इनकी टीजर लॉन्च के लिए कैटरीना कैफ सिद्धांत चतुर्वेदी और फिर यहीं पर अपने दूसरे पार्टनर ईशान खतर के साथ मौजूद थी। यहीं पर फैंस इनकी एक्साइटमेंट और फिर कैटरीना कैफ का इतना ज्यादा क्यूटनेस लुक में आना, फैंस का कहना है कि वाकई कैटरीना कैफ किसी से कम नहीं है, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट है। और यहीं पर शादी के बाद इनकी ये फर्स्ट मूवी कि फुली तौर पर परफेक्ट होगी, क्योंकि कॉमेडी मूवी इनकी ये बहुत अरसे बाद कॉमेडी प्लस हॉरर है, जिसमें एक बहुत ही बड़ी जान का इन्होंने लुक अदा किया है, एक बहुत बड़ी एक ऐसी घूस्ट है, एक ऐसी भूत है, क्योंकि फैंस के लिए पहली दफा है कि कैटरीना कैफ इतनी बड़ी भूत बन चुकी है। और ईशान और फिर यहीं पर सिद्धांत को वो बहुत ज्यादा टीज करती है, बहुत ज्यादा तंग करती है। ये मूवी वाकई कॉमेडी प्लस हॉरर है। व्यूअर्स, आप सबको इस मूवी का कितना ज्यादा वेट है, जो कि 4 नवंबर को सिनेमा हॉल्स की जीनत बनेगी कैटरीना कैफ की शादी के बाद की फर्स्ट मूवी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।